अबू धाबी। ये है कैपिटल सिटी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द यूएई आफ्टर दुबई। सो आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 थिंग्स टू डू व्हेन यू आर इन अबू धाबी। ऑल्सो ये ट्रिप मैंने बुक किया था फ्लेमिंगो ट्रेवल्स एंड अबू धाबी टूरिज्म से। सो लिंक जो है इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू बुक द सेम ट्रिप। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉप 10 थिंग्स यू कैन डू इन अबू धाबी। नंबर वन, यास आइलैंड वार्नर ब्रदर। वैसे तो यास आइलैंड में करने के लिए बहुत कुछ है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर डे विथ वार्नर ब्रदर, क्योंकि ये थोड़ा चिल पिल है। आप जो है थीम पार्क से थोड़े यूज्ड हो जाओगे और डे का एक इजी ब्रीजी स्टार्ट करने के लिए वार्नर ब्रदर इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल राइड्स से लेके बिग राइड्स, किड्स को इंजॉय करने की एक्टिविटीज से लेके एडल्ट भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी भी एक्टिविटीज है। सो यू विल हैव सो मच फन और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट हाफ डे स्पेंड कर सकते हो आफ्टर योर लंच और मे बी इवनिंग स्नैक के बाद आप यहां से निकल जाओ। एंड सेकेंड थिंग यू कैन डू इज यास कार्ट जोन पे आप बुकिंग करा लो एंड यू गोना हैव फन एंड गो कार्टिंग के मजे लो। हाँ जी, हमने पहले से बुक किया था और ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, तो किड्स ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट अगर आपको गो कार्टिंग करने में मजा आता है और आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और वो भी इतने बड़े कार्ट जोन में यास आइलैंड में, तो दिस एक्टिविटी इज मस्ट मस्ट मस्ट। नंबर थ्री, फरारी वर्ल्ड। अगर रफ्तार देखनी है ना बस, तो यू मस्ट गो टू फरारी वर्ल्ड व्हेन यू आर इन अबू धाबी। यास आइलैंड में जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि करने के लिए बहुत कुछ है, बट these are few of the things which I will tell you आपको जरूर 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 करनी चाहिए। उसमें सबसे पहला तो आता है फॉर्मूला रोसा, जिसपे अगर आप बैठोगे तो आपको जो है F1 की स्पीड का अंदाजा हाँ थोड़ा तो लग जाएगा। हमें बैठने से पहले बहुत ज्यादा मैंने सोचा कि जाऊं ना जाऊं, बट देन आई डिसाइडेड कि यार जिंदगी है, जी लेनी चाहिए, जिंदगी मिले ना दोबारा। और दूसरा ये टर्बो ट्रैक, इस पे भी आप जरूर बैठना जब ये टॉप पे जाता है, फरारी वर्ल्ड का सेंटर है। ओ माय गॉड, दैट ड्रॉप इज अमेजिंग। नंबर फोर, क्लाइंब। ये फरारी वर्ल्ड से निकलते ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है और यहाँ पर आपको आई थिंक 2 से 3 घंटे की जरूरत है। और यहाँ पर जो मस्ट ट्राई एक्टिविटी है, दैट इज स्काई डाइविंग का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मतलब नॉट प्रॉपर स्काई डाइविंग, बट ये टनल है वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल, जहाँ जिसके अंदर आप स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं विद एन एक्सपर्ट। सो ये एक्टिविटी भी मैं आपके लिस्ट में जरूर ऐड करवाना चाहूंगी व्हेन यू आर इन अबू धाबी। और फरारी वर्ल्ड से निकल के ही है बाहर, तो आप को इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। एंड क्लाइंब में और भी एक्टिविटीज है विच यू कैन डू। एंड देन हम चलते हैं थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी की तरफ। नंबर 5, सादियात आइलैंड, जो कि अबू धाबी में है। और ये जो आइलैंड है ना, यहाँ पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन मालदीव्स, ट्रस्ट मी। देखिए पानी, देखिए क्या ब्लू क्रिस्टल क्लियर और एकदम अमेजिंग व्हाइट सैंड बीच है वहाँ का। तो आप यहाँ पर जाइए, मुझे लगता है हाफ डे आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। देर आर फ्यू रेस्टोरेंट्स, कैफे अराउंड द आइलैंड, अराउंड द बीच एक्चुअली, और आप वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट थिंग यू कैन डू फन एक्टिविटी इज कायाकिंग, जो कि आप ईस्टर्न मैंग्रोव ऑफ अबू धाबी, यहाँ पर होती है कायाकिंग। और इसके लिए मॉर्निंग का टाइम ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले पानी बहुत स्टेबल होता है, तो एकदम क्लियर आपको अंदर जो फिशेज और ये सारी चीज़ें नज़र आती है। कायाकिंग करने में आपको मज़ा आता है बिकॉज वेदर इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम यू कैन डू दिस एक्टिविटी बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द सिटी ऑफ अबू धाबी। तो आप ये एक्टिविटी भी ज़रूर ऐड कीजिए अपने अबू धाबी ट्रिप में एंड यू विल थैंक मी लेटर। नंबर 7, द ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी। ये है वर्ल्ड के 4 बेहद खूबसूरत मॉस्क में से एक, तो यहाँ जाना तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ जाने के लिए कुछ रूल्स हैं आउटफिट के, जो कि आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू आर गोइंग। एंड द एंट्री हियर इज एब्सोल्युटली फ्री, आपको सिर्फ जाकर स्कैन करना है, कुछ डिटेल डालनी है। मशीन्स लगी हुई है एंट्रेंस पे, बस आप उस पे थोड़ी अपनी एंट्री डालेंगे एंड आपको टिकट्स जो है वो मिल जाएंगी एंड यू कैन एंटर द मॉस्क। इतना सुंदर है, मैं रिकमेंड करूंगी शाम को सनसेट के टाइम पे जाइएगा तो आपको जो गोल्डन आर की ब्यूटी में ये मॉस्क वैसे तो हमेशा अच्छा लगता है, बट उस टाइम ज्यादा सुंदर लगेगा। नंबर 8, कसर अल वतन।
कसरल वतन इज द प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि लोकेटेड है अबू धाबी में। बाय द वे कसरल वतन इज मोर देन जस्ट अ पैलेस क्योंकि इसके अंदर आप एंटर करेंगे तो यू विल सी एग्जीबिशन शॉपिंग एंड डाइनिंग ऑप्शंस अवेलेबल एट कसरल वतन। ये पैलेस बेहद ही सुंदर है, आपके मुंह से वाव 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 कंटिन्यूस निकलेगा जितने टाइम तक आप इस पैलेस के अंदर घूमोगे एक्सप्लोर करोगे। ओएमजी, इट्स सो बिग एंड सो ह्यूमंगस विद ब्यूटी एंड आर्ट इन इट। दिस प्लेस यू मस्ट गो व्हेन यू आर इन अबू धाबी। नंबर 9, द नेशनल एक्वेरियम अबू धाबी। ये जो है लार्जेस्ट एक्वेरियम इन द मिडिल ईस्ट एंड इज होम टू 46,000 एनिमल्स स्प्रेड अक्रॉस 10 जोन्स। ये इतना बड़ा है ना कि आपको यहाँ पर 2 से 3 घंटे तो चाहिए, मिनिमम चाहिए। द एक्वेरियम हाउसेज मोर देन 200 शार्क्स एंड रेस रिप्रेजेंटिंग 25 डिफरेंट स्पीशीज। ऑल ऑफ द एनिमल्स आर केयर्ड फॉर बाय टीम ऑफ 80 सी लाइफ एक्सपर्ट्स। मैंने खुद देखा जब हम वहां पर गए हुए थे एक्वेरियम में, देयर वर पीपल वाज क्लीनिंग इट और प्रॉपर सब चीजें जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है सब। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू विजिट इन अबू धाबी, लूवर। नॉट बिकॉज इट्स इंस्टावर्दी, पिक्चर्स यहाँ पे बड़ी अच्छी आती है, एंड ऑल्सो बिकॉज दिस is the place, there are plenty of good reasons to visit the Louvre. So many works of art to discover in this fabulous museum that used to be a palace. ये पहले palace था, हाँ जी, और यहाँ पर ये museum बना है and there are so many things you can see around. और मुझे ये Bollywood section जब हम यहाँ पर enter हुए थोड़ी सी हमने मस्ती करी क्योंकि पीछे screen पे गाने चल रहे थे, dance चल रहा था और हमने भी वो किया and that's how we ended our day in Abu Dhabi. और these are the 10 things, top 10 things I would suggest when you are in Abu Dhabi, you must do. And yeah, if you have any further question, you can ask me in the comment section below. With that note, we are ending this video here. Hope you like it. If you did, then don't forget to like, subscribe to my channel and we'll see you with another video very, very soon. Till then, ta-ta, bye-bye, namaste.